मशरूम उत्पादन कम समय और कम लागत में आय का सबसे अच्छा विकल्प है। मशरूम विशेष प्रकार की कवक होती है जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जो पुरातन काल से हमारे आहार का हिस्सा है। यही वजह है कि मशरूम अब हमारी थाली का हिस्सा हो चुका है। हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुकी है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहां तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियां बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। आज ये आत्मनिर्भर बनने का सबसे आसान विकल्पों में शामिल है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकाल कर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है, और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। देश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें कृषि और इससे जुड़े सह उत्पादों के संबंध में बारीकी से जानकारी दी जाती है। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम उत्पादन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को भविष्य संवारने की राह दिखाता है। एक सफल काम के पीछे बेहतर रणनीति होती है। ये बेहतर रणनीति तभी कारगर होगी जब हमें उस विषय का भलीभांति ज्ञान हो। मशरूम की खेती कर किसान लाभ कमा सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उत्पादन और मार्केटिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले, ये तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं।